My next question is to Ms. Amreen Bilal. She's the founder and CEO of TraceCycle, and she has been extensively working on waste management. So ma'am, mera aapse sawal ye hai ki kis tarah se aap waste management ko green architecture ke sath collaboration mein dekhti hain, kyunki waste collect karna and then fir uski usability kya hai hamari market mein, usse mutalliq thoda sa hame batayega. Assalamu alaikum. My name is Amreen Bilal, founder and CEO of TraceCycle. It's a waste management and recycling company. आपको पता है कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और सर्कुलर इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अगर हम अपने हमसाए ममालिक को देखें तो वो अर्न कर रहा है, जिसको जो वेस्ट हमारे लिए मुश्किल बना हुआ है और उससे वो अर्न कर रहा है. वी आर अ फिफ्थ डेंस पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो अगर देखें तो ये हमारी स्ट्रेंथ भी बन सकती है. हम जिसको मुसीबत समझते हैं कचरे को, उससे हम मेरिकुलसली बहुत कुछ कर सकते हैं अगर सिर्फ मैनेज करें. हम दरअसल हम भूल जाते हैं कि उसको मैनेज भी करना है. तो हमें कराची को मेगा मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बनिस्बत के हम नए प्रोजेक्ट बनाते जाएं और उसको मैनेज ना कर सकें. तो पहले हमें मेगा मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीज़ें हैं. पहले हमें मैनेजमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए. ग्रीन आर्किटेक्चर का ताल्लुक जाहिर है, आपको पता है जब हम सर्विसेज देते हैं और हम ऑन सोर्स सेग्रीगेशन प्रमोट करते हैं. रेजिडेंशियल वेस्ट बड़ा टफ है, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा एक सिटीज़न को कराची के रेजिडेंशियल वेस्ट हमें बॉदर कर रहा होता है, दिख भी रहा होता है, बॉदर भी कर रहा होता. इस तरफ कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी नहीं थी. एज अ वुमेन हम सफाई के बारे में बड़े मतलब एटलीस्ट मर्दों से हम थोड़ा आगे होते हैं, हमें दिख रहा होता है कहाँ सफाई है कहाँ नहीं है. तो ये चीज़ें इम्पेक्ट भी जनरेट करती है हमारी कंपनी. और रेजिडेंशियल वेस्ट की जैसे मैंने बात की, नो वन इज़ डूइंग इट. कमर्शियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट की तरफ लोग जाते हैं क्योंकि उनको जंक में सेग्रीगेटेड वेस्ट मिल जाता है. इकोनॉमी के लिहाज से या फाइनेंस के लिहाज से उनके लिए वो बेटर होता है. इट वॉज़ चैलेंजिंग कि ये कंपनी स्टार्ट करना. इट्स अ वुमेन लेड कंपनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ प्रॉफिटेबल और हम इसको रिसाइकल भी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट की तरफ भी काम कर रहे हैं. और विन विन सिचुएशन है हर तरह से ये, कि हमारा कचरा हमारी ज़िम्मेदारी, उसको हमें लेना चाहिए. और एटलीस्ट अगर आप ज़िम्मेदारी नहीं लेते तो किसी को, ऐसे लोगों को हायर करें जो इको फ्रेंडली हों, जो आपको ये श्योरिटी दें कि लैंडफिल में ना जाए वो कचरा. एज़ यू नो, कराची की 3 लैंडफिल भर चुकी हैं, हम चौथी की तरफ जाने वाले हैं. वो अपने अंदर एक डिज़ास्टर है कि वो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन डिज़ास्टर है वो एक. तो अगर हम कचरे को उसी वक्त ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी पे हम काम करते हैं, कचरे को उसी वक्त हम ज़ीरो ऑन स्पॉट कर देते हैं, तो ये बेस्ट है. परफेक्ट. मैम, जैसे आप वेस्ट कलेक्शन पे काम कर रही हैं, लेकिन मैम चैलेंज ये आता है कि फॉर इंस्टेंस मेरे घर से वेस्ट जनरेट हुआ और फिर मेरा कंसर्न नहीं है वो जहाँ भी जाए, वो गवर्नमेंट इदारा लेके जाए या कोई प्राइवेट सेक्टर उठाए, मुझे उससे कोई कंसर्न ही नहीं है. और अगर आके कोई मुझे कहेगा ना कि आप अपना वेस्ट फला बंदे को दे, तो मैं कहूँगी मेरे पास पहले ही बहुत चैलेंजेस हैं, वेस्ट कोई भी ले जाए, बस मेरे घर से बाहर होना चाहिए. तो मैम, इस तरह की कोई स्टोरीज आपके पास हैं कि जहाँ पे आपको इस किस्म के चैलेंजेस आए हों? हाँ, बहुत मिसकंसेप्शन है. अगर मलिया आपका घर साफ़ है, ज़ाहिर हम सबका घर साफ़ ही होगा, वॉट यू थिंक कि हवा साफ़ है? जिस आपने तो अपना घर साफ़ कर लिया, कचरा बाहर फेंक दिया, लेकिन एनवायरनमेंट को, माहौल को आप अकेले कर सकती हैं साफ? तो ये बात समझनी चाहिए हमें कि हमें कचरा किसको देना है वो मैटर करता है, क्योंकि हम सांस तो उसी हवा में ले रहे हैं. मैं अपने घर की हवा तो नहीं बदल सकती ना. तो ये बिल्डर को भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखें, आपने सही है, वेस्ट जिसको भी देना है, लेकिन एटलीस्ट ये ख्याल रखें कि इको फ्रेंडली लोगों को दें, क्योंकि आपका बच्चा भी यहीं रहता है, इसी कराची में रहता है, वो वही सांस आप उसके लिए हवा, ऑक्सीजन कहीं से पैदा नहीं कर सकते, जो कि ऑब्वियस है. तो ये चीज़ें मैं समझाती हूँ. दूसरी बात ये कि जैसे पहले ब्रांड्स, पानी हमारा कहाँ से आता था? पानी मतलब छोटे गैलन होते थे, या हम भर लेते थे, या कोई नल होता था उसमें मीठा पानी आ रहा है. ब्रांड्स आ गए तो ब्रांडिंग बहुत हो रही है, तो हमने भी सोचा इसकी भी ब्रांडिंग करें.
तो हमारा जो स्टाफ होता है वो यूनिफॉर्म्ड होता है आईडी कार्ड के साथ. ये बड़े इशू हैं, चैलेंजेस हैं कराची में हम रहते हैं, तो ये आइडेंटिफाइड स्टाफ नहीं है हमारे पास. तो इसी तरह और दूसरा समटाइम्स ये एक टैबो है. समटाइम्स मुझे लोगों ने कहा यू स्पीक सो वेल, तो आप ऐसा करें बातें ही करें ना. और हाँ सर्टे नहीं खैर हर कोई पॉलिटिक्स, वैसे ना होते हुए भी पॉलिटिक्स हो रही होती है, तो हम सब पॉलिटिशियन हैं, वी आर ऑल पॉलिटिशियन. मैम आप कोई बताएंगे जो बिल्डर्स ने कोई रेजिस्टेंस शो की हो कि मैम कचरे का क्या है, वो तो कोई भी ले जाएगा, हम आपको क्यों दें, इस तरह की कोई स्टोरी आपके पास? अच्छा मैं बताऊँ, बिल्डर ने रेजिस्टेंस यूँ शो की है, उसको नज़र आ गया कि यार इसमें तो पैसा है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ये लोग आ रहे कचरा, तो वो मुझसे डिमांड करते हैं कि कचरे के भी पैसे दे दें, मतलब आप फ्री में ले जाएं, फ्री में सर्विसेज दे दें. तो मैंने कहा ठीक है आ जाएं, पार्टनरशिप कर लें, आप भी गाड़ी लगा दें, पेट्रोल भी दे दें, वर्कर भी दे दें, लेबर भी, हम पार्टनरशिप करते हैं. मतलब आप अपना काम छोड़ के अब आपको इसमें भी पैसा चाहिए, मतलब एक मतलब हद होती है. ठीक है आपका एक फील्ड है, हर इंसान के हर काम हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना, हर एक की फील्ड है. अगर मैं सोचूँ मैं यहाँ से भी कमा लूँ, मैं वहाँ से भी कमा लूँ, तो यही है कि समटाइम पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं या क्या इम्पैक्ट. लेकिन हाँ यूथ अकेडमियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी यूनिवर्सिटीज़ जानती हैं और रिस्पेक्ट देती हैं, बुलाती हैं. इंशाल्लाह हम सोचते हैं कि हमें हमारे रेजिडेंट जो हैं वो भी किसी दिन पहचानेंगे और बुलाएंगे बिठाएंगे. तो हम हमारा मिशन है कि हम अवेयरनेस लेडीज़ को भी देते हैं, जहाँ भी सोसाइटी में हम जाते हैं बच्चों को और लेडीज़ के साथ हम सेशंस करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. समटाइम लोग बुलाते भी हैं कि जमादार स्वीपर सो वॉट, मतलब हम सफाई कर रहे हैं, मतलब कचरा करने वाले को तो कुछ नहीं कहा, कचरा उठाने वाले के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है ना. Perfect. तो उनकी वेलफेयर के लिए भी मुझे काम करना है कि उनको हम इतना बैकवर्ड क्यों समझते हैं. हालांकि वो ना, अगर आप एक दिन कचरा रख लें, दो दिन रख लें, तीन दिन, कितने दिन रख सकें, आप रख सकती हैं, नहीं रख सकते हम उसको. तो ये तो इतना अजीम काम है, इतना बड़ा काम है, लेकिन इसके साथ हमने जो चीज़ें जोड़ी हुई हैं वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो भी इंसान है, ह्यूमन है. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. हलाल रिस्क कमाना है और इम्पैक्ट क्रिएट करना है, सबसे बड़ी बात हुई है. ट्रू.